तो क्या आप भी रोज की भात दाल रोटी खाकर पक गए हैं? क्योंकि मेरे बच्चे तो पक गए हैं, वो कुछ नया खाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ शाही टुकड़ा, जिसे आप भी बना सकते हैं। और रोज की भात दाल रोटी की जगह आप अपने परिवार को यह खिला सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। मेरा नाम पुष्पा है, मेरे चैनल पुष्पा राज कुकिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 ब्रेड ले लें और देखिए इस तरह से कट कर दें। 3 या 4 आप जितना ही ब्रेड ले सकते हैं, मैंने 3 लिया है। इसको ऐसे करें करिएगा, बराबर से कट जाएगा। देखिए इसको ऐसे कोना से कट कर लें ब्रेड को। देखिए इसको ऐसे कोना से ऐसे करके कट कर लें। देखिए देखिए ऐसे मैंने कट कर लिया है। देखिए एक कढ़ाई चढ़ा लिए, इसमें घी डाल रही हूँ। देखिए ये घी है, घी से ब्रेड में स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। देखिए जब घी गर्म हो जाए तब मैं ये ब्रेड को तलूंगी इसमें। 1 मिनट बाद घी देख रहे हैं गर्म हो गया है, तो मैं अब ब्रेड को एक एक करके तल देती हूँ। 1-2 करके आप तलें, इसको थोड़ा लाल कर लें ब्रेड को। 5 से 10 सेकेंड में ये लाल हो जाएगा, 5 से 10 सेकेंड ही तले इसको। देखिए लाल हो गया है, अब इसे हम निकाल रहे हैं। देख सकते हैं आप कितना अच्छा इसका कलर आया है, देखिए कितना अच्छा लाल हो गया है। अब हम दूसरा प्रोसेस में चलते हैं। देखिए एक कढ़ाई ले लें, इसमें 1 गिलास मैं दूध डाल देती हूँ, 1 गिलास। देख सकते हैं अब गैस जला देते हैं। इसमें को मैंने 1 गिलास दूध लिया है ना, इसको मैं मुझे आधा करना है। दूध जब गर्म हो जाए तब मैं इसमें 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल देती हूँ, थोड़ी सी चीनी डाल देती हूँ, 2 चम्मच के आसपास है। अब मैं इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहे तो मिल्क पाउडर, मैं इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाली हूँ। आप चाहे तो इसमें कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं, खोआ डाल सकते हैं। इसको अच्छा से मिला लें, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए लम्स है ना, इसको मैं अच्छी तरह से मिल्क पाउडर को इसमें मिक्स कर रही हूँ। मिल्क पाउडर डालने से क्या होता है कि ये दूध थोड़ा जल्दी गाढ़ा हो जाएगा और इसका स्वाद भी अच्छा लगेगा। देखिए थोड़ा सा केसर डाल दें, थोड़ा सा मैं केसर डाल देती हूँ। देखिए इसका मिक्स कर लेते हैं अच्छा से, इसका कलर आ जाएगा, केसर का कलर आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया है, देखिए इस स्टेज पे मैं इसको डाल देती हूँ। इसको ऐसे ऐसे करके इसमें डुबा देते हैं इसको, और फिर इसको एक एक करके निकाल लेते हैं ऐसे करके। देखिए थोड़ा दूध में मैं डाल रही हूँ सॉफ्ट होने के लिए, जब सॉफ्ट हो जाए तब मैं इसको निकाल लूँगी। देखिए बस 1 से 2 सेकंड तक इसको डाल लें दूध में, फिर निकाल लें, ज़्यादा नहीं इसको अथी करना है, तो ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएंगे। ये सुखाना है दूध को, मैं 5 मिनट तक और इसको पकाऊंगी, यानी कि समझें दूध को गाढ़ा करना है। ये देखिए इस तरह से चलाते भी रहें वरना दूध नीचे से सट जाएंगे और जल जाएंगे, इसलिए इसको दूध को चलाते रहें। अब ऐसे ऐसे करेंगे ना ऐसे किनारा तरफ, तो जल्दी ही दूध गाढ़ा हो जाएगा। इसको इधर से ऐसे ऐसे करके इसका मलाई निकालते रहें, ऐसे ऐसे करके मलाई को इसमें मिक्स करते रहें। देख सकते हैं आप, अब देखिए गाढ़ा हो रहा है, बस 1 से 2 मिनट और पका लेंगे। 100% में 25% मुझे दूध को सुखाना है। देखिए दूध जब देखिए इतना गाढ़ा हो गया है, आप देख सकते हैं दूध गाढ़ा हो गया है एकदम। तो मैं इस समय इस वक्त मैं गुलाब जल थोड़ा डाल देती हूँ। ये देखिए गुलाब जल डालने से इसका स्वाद और सुगंध बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा आएगा, इसलिए मैं थोड़ी सी 2 चम्मच 1 चम्मच के आसपास गुलाब जल डाल दी हूँ। देखिए गाढ़ा हो गया है, अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि दूध आप देख सकते हैं गाढ़ा हो गया है। ये देखिए मैं ये गाढ़ा दूध को मैं इसमें डाल देती हूँ, देख सकते हैं
कलर केसर का आया है, बहुत ही अच्छा। इसको पूरा ढक दें दूध से। इसे चाहे तो फ्रिज में रख सकते हैं या फिर रूम टेम्परेचर पर इसको छोड़ सकते हैं आधा घंटा के लिए। आधा घंटा तक रूम टेम्परेचर पर इसको ठंडा होने दें। देखिए आधा घंटा मैं रूम टेम्परेचर पर रखी थी, अब देखिए आधा घंटा मैं इसको निकाल लेती हूँ। तैयार हो गया है। इसकी दोनों काटा की मदद से ऐसे करके इसको ऐसे निकाल सकते हैं। दो काटा का चम्मच ले लें, ऐसे करके निकाल लें। देखिए एकदम बहुत अच्छा से एकदम सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा से एकदम शेप भी अच्छा है। थोड़ा सा मैं इसका दूध का गाढ़ा वाला दूध भी डाल देती हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा पिस्ता से गार्निश कर दे रही हूँ। देखिए बहुत ही आसान तरीके से अब बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो गया है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।